लिंक जो है मैं इंस्टाग्राम पे पेज कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप मुझे ना ढोलकी और जो आपकी मेहंदी थाल शॉल जो भी है, थाल जो है ना वो आएंगे, फुल डेकोर है वो, तो वो मुझे दे दीजिएगा ताकि वो मैं रख दूं। बस वो भी आएंगे ना, तो फिर आप वो उसमें ऐड कर देना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। और मुझे ना एक और फेवरेट भी चाहिए था, मुझे शाउट आउट चाहिए था। ये देख मैं वीडियो बना रही हूं ना। नहीं आंटी, हैंग कर रहे हैं आप, बस टेंशन नहीं ले। मैं 7:30 तक घर होंगी इंशाल्लाह। 8 बजे क्या? हाँ, अभी बस वो मेहंदी वाले भी आ जाएंगे, तो फिर आप उनसे लेकर ना वो भी डेकोर कर लेना, वो भी सारी सेटिंग कर देंगे ना, क्या क्या सामान उसके अंदर डालना है वो उनके जिम्मे है सारा। सुनो, ये ठोकर लगेगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी 2024। ये व्लॉग 19 जनवरी का है और आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, और आज डेट है 25 जनवरी, यानी कि आज मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आपको पता है मैं अपने भाइयों की शादी जो है ना फुल इन्जॉय करना चाहती थी बगैर किसी स्ट्रेस के, क्योंकि अगर मैं साथ फ़ौरन जो है ना रात को, दिन में फंक्शन होता और रात में अगर अपलोडिंग कर देती, फिर कमेंट्स आते, बहुत से सब्सक्राइबर्स अपने हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेंशन देते हैं और टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं देते। इसलिए मैंने सोचा था कि जब शादी से फारिग हो जाऊँगी फिर ही जो है ना मैं अपलोड करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं आई हूँ सैलून मेहंदी का मेकअप करवाने के लिए, और नतालिया जो है वो भी मेरे साथ हैं, उनको भी करवाना था मेहंदी के लिए मेकअप, तो बस हम दोनों एक साथ आए हैं। और इस पार्लर में जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे तो मैंने सिर्फ बारात और वलीमे की बुकिंग करवाई हुई थी, मैंने मेहंदी की बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। तो बस यहाँ से रेडी होकर अब हम सीधा घर जाएँगे, और घर जाकर जो है ना मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाती हूँ। और जो यहाँ पे फाइनली हम घर आ चुके हैं, और हम ना 6:30 बजे गए थे सैलून रेडी होने के लिए, और हमें घर आते आते जो है ना 8:45 हमें हो गए थे, लेकिन खैर हम टाइम से घर आ गए थे और ब्यूटीशियन ने हमें बहुत जल्दी रेडी किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने हमें 1.5 घंटा, हमें सिर्फ मुझे लगा था 1.5 घंटा, नतालिया को लगा था, तो हम दोनों जो है ना जल्दी से बस रेडी हो गए थे। घर में जैसे आई तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है घर लग रहा था, और ये जो डिकोर है ना जो बहुत पसंद आई थी। तो जी माशाल्लाह ये इंस्टाग्राम पे ही जो है मैंने इनका देखा था, और जावी डिकोर के नाम से इनका पेज है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने मुझे डिकोर करके दिया है, और ये है इनकी ऑनर, और ये सारी मेहनत इनकी है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा जो है मुझे करके दिया ना, बस देख लें। आपको अच्छा लगा तो बस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, योर वेलकम। और जैसा मैंने देखा था वैसा ही ठीक है, आपको पसंद आ गया ना बस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जी इनके पास मेहंदी, बर्थडे पार्टीज, इसके अलावा कोई भी इवेंट हो आप उनका डिकोर इनसे करवा सकते हैं। इनका लिंक जो है मैं इंस्टाग्राम पे पेज कर दूंगी, जरूर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, चलें। माशाल्लाह फंक्शन तो बहुत अच्छा था। हमने घर में एक सिंपल सी मेहंदी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह पाक की तरफ से और
जिनको मैंने बोला था कि जी आपने डेकोर करना है, उनकी वजह से हमारे फंक्शन में चार चांद लग गए और सब ने बहुत तारीफ़ की कि आपका इवेंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जी आदम सुल्तान विद फातिमा आज़म मेहंदी और दूसरी तरफ जी मोहसिन सुल्तान विद डॉक्टर नतालिया जावेद मेहंदी, इनका जो है इन्होंने ये भी बोर्ड लगा कर लाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गेस्ट आ चुके हैं, वैसे तो 7:30 बजे तक सबको आ जाना चाहिए था लेकिन सबको पता था जी घर में मेहंदी है और सब बहुत रिलैक्स होकर जो है ना आराम से 9:30 बजे तक हमारे घर में आए थे। और दूसरी रीज़न ये भी थी कि बाहर बहुत ज़्यादा फोग हो रही थी, इतनी फोग थी ना कि उफ समझ में नहीं आ रहा था कि सब गेस्ट किस तरह से आएंगे। और हमें नेक्स्ट डे की टेंशन लग गई थी कि हमें आउट ऑफ सिटी जाना है तो हम किस तरह से जाएंगे इतनी फोग में। तो है नेक्स्ट डे वाला व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पर जी मेरा ननियाल था, ददियाल था और स्पेशल वो लोग थे जिन्होंने हमेशा हमारे गम में हमारा साथ दिया, हमारी खुशी में हमारा साथ दिया और मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। तो ये सब वो लोग हैं जो जिनको हमने इनवाइट किया, हमने इनको बुलाया और अच्छे बुरे वक्त में ही आपको अपने मुखलिस की पहचान होती है कि जी कौन आपका है कौन नहीं है। तो बस हमने अपनी खुशी में जो है इन सबको शामिल किया और यहाँ पे अभी हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं मेहंदी की, यही प्लान कर रहे हैं कि पहले आदम को लेकर आएँ कि मोहसिन और नतालिया को लेकर आएँ। तो बस हमने यही डिसाइड किया कि पहले हम मोहसिन और नतालिया को लेकर आते हैं, उसके बाद जो है नतालिया जो है अपने देवर को लेकर आएगी। तो बस इसी प्लान के मुताबिक जो है हमने फिर सबसे पहले मोहसिन और नतालिया को लेकर आएंगे, उनको मेहंदी लगाने के लिए बिठाएंगे और फिर साथ ही हम आदम को ले आएंगे और यूँ तीनों को एक साथ मेहंदी लगा देंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। और जी यहाँ पे मैं अब आई हूँ मेहंदी की प्लेट्स रेडी करवाने के लिए। तो ये भी पूरी एक टीम जो है हायर की हुई थी जो कि मेहंदी की प्लेट्स लेकर आई थी और यहाँ पे मिठाई जो है इन प्लेट्स के अंदर रखूँगी और उसके बाद जो है सबको बुलाऊँगी कि जी आ जाएं, अब हम दुल्हन दूल्हा को जो है लेकर आने वाले हैं। तो बस जल्दी से जी ये प्लेट्स जो है रेडी हो रही हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह प्लेट्स भी बहुत खूबसूरत थी। तो बस इनको जो है ना इन्होंने रेडी कर दिया था पहले से, ये भी पूरी एक टीम आई हुई थी जो कि मेहंदी की प्लेट्स अम्ब्रेलास और ये सारा सेटअप जो है ये लेकर आई थी। इसके साथ साथ मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जी थैंक यू सो मच कल मोहसिन को, मेरी फैमिली को, हम सबको ढेरों दुआएं देने के लिए आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह पाक दोनों की जोड़ी सलामत रखे, नजरे बद से बचा कर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग के अंदर जो मैं दिखा रही हूँ प्लीज़ इसके ऊपर ही फोकस रखें, इसके अलावा कोई भी फजूल बात आप लोग प्लीज़ मत करें। और एक और बात मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि मैं बहुत ही देखभाल कर जो है अपने व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का यही नहीं कि जी मैं उससे डर कर ऐसी व्लॉगिंग कर रही हूँ। आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं अभी फ़िलहाल अपनी भाभी का आज के व्लॉग में फेस रिवील नहीं कर रही। तो कोई भी फेक पिक्चर्स लेकर मेरे भाई के साथ जोड़कर यूट्यूब के ऊपर ऐसा काम नहीं करें, ये मुनासिब नहीं रहेगा। जब तक मैं फ़ेस नहीं अपने चैनल के ऊपर दिखाऊँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी भाभी का फ़ेस आपने किसी ने भी अपने चैनल के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी या मेरी दोनों भाभियों का जो फेस है गलत तरीके से यूट्यूब के ऊपर चले, मुझ तक रहें, मुझ तक रिएक्शन दे, मुझे जो बोलना है मुझे बोले। मेरी फैमिली को लेकर आप लोग कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है एज अ सिस्टर, एज अ जो भी आप मुझे समझ लें, एज अ कुलीग
कुछ भी आप लोग अगर मुझे समझते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो रिएक्शन देना है, पिक्चर यूज़ करनी है थंबनेल पे, जो भी आप मेरी करें, फेक पिक्चर्स बनाकर मेरी भाभी की या मेरे भाई के साथ किसी की भी पिक्चर जोड़कर आप लोग नहीं लगाएं। तो अब नए सिरे से जो भी मैं सेटअप लिया है, कर रही हूँ, चल रही हूँ, आप इसी के ऊपर ही फोकस रखें। तो खैर, ये बातें मुझे मजबूरन अपने इस खूबसूरत से व्लॉग में जो है बोलनी पड़ रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहती थी। यहाँ पे जी बस अब हम लोग मेहंदी के फंक्शन स्टार्ट करते हैं और कम से कम वॉइस ओवर करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा रियल वॉइस रखूँगी। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि जो मेरे इस व्लॉग को आज वॉच कर रहा होगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। माशाल्लाह कल वाले व्लॉग पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों ने मुझे देखा है वो आज सब्सक्राइब भी मुझे कर दें। जज़ाकल्लाह।
यहाँ पे जी मेहंदी की रस्म अब यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। ढोल ढमाके के साथ जो है ना हम इनको ले आए हैं, और खुशियों को जो है ना खुशियों की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब एक नहीं दो दो भाइयों की शादी हो तो उसमें तो आपको पता है वैसे कितनी खुशी होती है। बहनों को जो है ना वैसे ही अपनी भाइयों की शादी का बहुत इंतज़ार होता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि हमने ये दिन देखा और एक नहीं दो दो खुशियाँ जो है ना। रस्म यहाँ पे हो गई थी और अब जो यहाँ पे लग गया है खाना। खाने में जो है चिकन कोरमा था, पुलाव था, इसके अलावा गुलाब जामुन थे, रायता, सलाद, नान, कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में चाय थी।
तो जी ये रहा जी वन डिश थी। डिनर भी यहाँ पे हो गया था और इसके बाद जो है ना हम बाहर से वाइंड अप करके जाएंगे सीधा अंदर। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और अब हम सब खाएंगे खाना और उसके बाद अंदर बैठकर आराम से जो है ना लाउंज में हम लोग ढोलकी बजाएंगे और उसके बाद जो है ना बच्चे थोड़ा सा डांस करेंगे। तो मेरा बस यही था कि एक ही व्लॉग में जो है ना मेहंदी का पूरा फंक्शन जो है ना थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा दूँ। अगर 50-40 मिनट्स तक जाता है तो खैर है, देखने वालों का अगर दिल होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक मेमोरी जो है ना इस व्लॉग में जो है ना सेव हो जाएगी। तो पहले मैंने सोचा कि दो पार्ट में कर दूँ, फिर मैंने कहा यार क्या वन पार्ट में दिखाऊंगी तो फिर टू पार्ट में क्या रह जाएगा, तो बस इसको मिक्स ही कर देती हूँ तो देखने वाले इंजॉय कर ही लेंगे। यहाँ पर जी सब खाना खा रहे हैं और सबसे जाकर मैं पूछ रही हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जी यहाँ पे डिनर हो गया था, सबने माशाल्लाह बहुत तसल्ली से आराम से जो है बैठकर सबने खाना खाया और सबने खाने की बहुत तारीफ़ की, खाना बहुत मज़े का था। खाना खाने के बाद अभी बस हम थोड़ा सा बाहर से वाइंड अप करेंगे क्योंकि यहाँ पे 12:30 हो गए थे। घर में जो है ना मेहंदी करने का यही फ़ायदा है कि आपको कोई पाबंदी नहीं होती, वरना बैंक्वेट हॉल में जो है ना 9:45 पे जो है ना लाइट्स ऑफ कर देते हैं और कह देते हैं टाटा बाय बाय अब आप अपने घर जाएं। तो इतनी लंबी तैयारी चल रही होती है, इतना कुछ हो रहा होता है और उसके बाद जो है ना आपको फंक्शन अपना वाइंड अप करना पड़ता है 2 घंटे के अंदर अंदर। तो बस अभी हम लोग टीवी लाउंज में आ गए हैं और अभी ढोलकी बजाएंगे और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में स्टे करना था। तो ये मेरा पूरा ननिहाल है जो हमारे साथ रहेगा यहाँ पर और शादी को इंजॉय करेगा। खाना गरम करवाएंगे।
Thank you.
I'm not afraid to die.